आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी हुकूमत ने हज रजिस्ट्रेशन के आगाज़ की तारीख का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की जानिब से ऐलान किया गया कि हज बैतुल्ला 1442 हिजरी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 13 जून बरोज़ इतवार से बजरिया ऑनलाइन मौसूल की जाएंगी। सऊदी अरब की वजारत हज ने रवां साल हज से मुतल्लिक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि सिर्फ सऊदी शहरी और मुल्क में मुकीम अफराद ही रवां साल हज कर सकेंगे। अरब टीवी के मुताबिक वजारत हज के फैसले में कहा गया कि सिर्फ सऊदी शहरी और मुल्क में मुकीम गैर मुल्की अफराद ही रवां साल हज कर सकेंगे और इस तरह हज की ख्वाहिश रखने वाले दीगर ममालिक के शहरियों को रवां बरस हज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सऊदी वजारत हज के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और वायरस की उभरती हुई नई इकसाम को देखते हुए हजाज की तादाद को महदूद किया गया है। सऊदी वजारत हज ने हजाज कराम की तादाद का ऐलान करते हुए कहा कि रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। इन तमाम अफराद में सऊदी अरब के शहरी और मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की दोनों शामिल होंगे। सऊदी वजारत हज का कहना है कि हज करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो किसी तवील बीमारी में मुब्तला ना हों। इसके अलावा हज करने के लिए उम्र की हद 18 से 65 साल रखी गई है और हज करने के ख्वाहिशमंद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल होना ज़रूरी है।